जिली अदालत पुंछ में कौमी लोक अदालत का इनेकाद 6,269 मुकदमात की समाअत जिला के मुख्तलिफ अदालतों में 8 बेंचों पर सैकड़ों केसों का निपटारा किया गया। मैकेनिज्म है इसमें इन केसेस का जो है वाहमी तौर उजाला किया जाता है और इससे काफ़ी हद तक जो है अदालतों का बर्डन जो है जिससे जो अदालतें हमारी जो हैं काफ़ी मुकदमात के साथ जो हैं आज जो हैं भरी हुई हैं उनका मुकदमात का जो फैसला वाहमी तौर किया जाता है और इसमें विन विन सिचुएशन होती है। लोग जो है उनका जो है उनका जो है रंजिशें ख़त्म होती हैं और एक और कम वक्त में इनके फैसले होते हैं और इस मैकेनिज्म से वो मुस्तफीद होकर अपने घर चले जाते हैं। थैंक यू सर। जिला अस्पताल पुंछ में 7वां आलमी यूनानी दिन मनाया गया। इस दौरान आयुष यूनिट पुंछ ने कुवत मुदाफिया बढ़ाने वाली अद्वियात भी की तकसीम। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स जो थे उन्होंने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर पूरा अपना डिटेल लेक्चर दिया और इसको एलाबोरेट करके बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, इसका रोल क्या है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंसान की सेहत को ठीक करने के लिए किस तरह से मेडिसिन असर करती हैं और इस सारे चीज़ के बारे में ये बताया गया है आज। और यहाँ पे एक इखलाक जो है इखलाक को भी दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ अखलात होते हैं उनके जरिए कैसे इंसान को ठीक किया जाता है और उनको क्या रोल होता है उसका इंसानी जिसमें तो उसके बारे में सारा बताया गया। एआरटीओ पुंछ की क़यादत में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए नाके और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। तो सर यही बताएंगे कि जो लोग ओवरलोडिंग करते हैं या जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं इको स्कूल्स की हैं लोगों ने लगा के इसके हवाले से भी आप कहें इस बार 10,000 हाजी जम्मू कश्मीर से हज पर जा सकते हैं। चेयरपर्सन हज कमेटी सफीना बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी तफसीली जानकारी। इसका हमें इंतजार है, मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कहने के मुताबिक एक दो दिन में जो है गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है जिससे जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने, इसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह माइनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है, तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है 500 की 5,000
टोटल नहीं है, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है, तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। इसे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीन ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें, एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया है इस पॉलिसी में, कल कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी। इंतजामिया ने जम्मू की मलिक मार्केट में इंसदादे तजावजात मुहिम के दौरान कई ढांचों को मिसमार कर डाला। मलिक मार्केट में जो MG हेक्टर का जो शोरूम था उसको जब डिमोलिश करने के लिए पुलिस की टीम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आई थी, वहाँ काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी और हंगामा हुआ था, जिसमें कुछ गाड़ियों को जो है वो डैमेज भी हुआ था, और उसके बाद पुलिस ने FIR लगाई थी कई लोगों के खिलाफ, जिसमें 8 लोग जो है वो गिरफ्तार भी किए गए थे, उनमें DTC मेंबर कारा महराज मलिक भी थी, जो उनको बाद में बेल पर रिहा किया गया। उसके बाद आज फिर से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और जो काम अधूरा छोड़ा हुआ था उसको पूरा करने के लिए जो है वो पूरी जो फोर्स है उसका जो है वो इस्तेमाल किया गया, और आज जो पिछले दिनों जो गलतियां रही थी वहाँ पर, क्योंकि लोग जमा हुए थे जिसके बाद लोग जो है वो प्रोवोकेट हुए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर पथराव किया। आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाजी धरने मुजाहरे आज दूसरे रोज भी जारी रहे। श्रीनगर में एहतजाजियों ने अपने मुतालबात दोहराए। स्ट्राइक पर जाने का कोई शौक नहीं है, मगर हमेशा हमें स्ट्राइक पर जाने के लिए उकसाया जाता है। आप लोग उससे भी वाकिफ हैं कि गवर्नमेंट ने हमें बाज़ाब्ता एक जब पिछले साल एक मीटिंग उनके साथ हुई थी तो बाज़ाब्ता चार्टर ऑफ डिमांड से मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले और उसमें हमारे 4 मामला जो थे उनका हल उन्होंने उस वक्त निकाला था और ब्लैक एंड वाइट में हमें दिया। वो 4 डिमांडें जो थी उनमें से रिफ्रेश ग्रेड पे था और ग्रेड पे के बाद क्रिएशन ऑफ GQ सर्कल्स एंड पटवार हल्काज, उसके बाद एनहांसमेंट ऑफ द रेशो ऑफ पूंछ में भी पटवार एसोसिएशन की जानब से की गई हड़ताल, अपने मुतालबात रखे गए इंतजामिया के सामने। जो है टोकन स्ट्राइक जो की है पूरे प्रोविंस जम्मू में, उसका आज दूसरा दिन है और हम डिस्ट्रिक्ट पंच की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेंडर में हमारे सब डिविजन मेंडर में अलग से साथी बैठे हुए हैं, जितने भी पटवारी हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट पंच के, वो आज हम यहाँ पे पंच हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं। और ये जैसे कि हमने कल भी बताया था मीडिया को कि हमारी 9th of March 2022 को हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, जिनकी सरबराही हमारे कमीशन सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब विजय कुमार बदूरी साहब की सरपरस्ती में एक 8 लोगों की 8 अफसरान बाला जो थे उनकी मौजूदगी में एक टीम को कंस्टिट्यूट किया गया था, जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी हमारी आल जम्मू एंड कश्मीर पावर स्टेशन की, वो सभी डिमांड जो हैं जेन्युइन हैं। उसके मद्देनज़र उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था और उस पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ये अगला मार्च आने वाला है, एक साल का अर्सा होने के बावजूद भी। कठुआ में भारतीय जनता पार्टी का बजट पर चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद। जो पहुंचे मैं आपकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बुलाने पर हमारे कार्यालय में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बजट पर चर्चा पर आप सबको यहाँ पर बुलाया, तो जिस प्रकार मेरे छोटे भाई राजेश मेहता जी बता रहे थे कि बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार का जो बजट है वो बहुत बेहतरीन बजट साबित हो रहा है, और अपोजिशन के लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो भारतीय से बहुत पहले से बहुत 47 को 100 साल होने जा रहे हैं भारत।